अब चलते हैं ऑन योर रियल लाइफ कहानी, जो आप अभी बैठे हुए आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, आपके घर में लाइटें चल रही हैं, फैन चल रहे हैं, तो वो सब जो है ऐसे ही नहीं है कि आप तारे दो जो है वो दो जोड़ देते हैं उनमें से बिजली जो है वो पास करती है, ऐसा नहीं है। बड़ा जो है वो खेल है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर आ रही है उसको कन्वर्ट करना, उसको फिर इस्तेमाल करना, उसमें सारी चीजें, ये सब आपकी कहानी कहाँ आएगी, रेक्टिफिकेशन में कहानी आएगी, जो हमने ऑल्टरनेट करंट्स में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अच्छा, Now, what is basically happening, ठीक है जी, आपके पास जो जैसे विंड टर्बाइन्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, कोल के स्टेशन है, गैस के स्टेशन है, तो ये जो बिजली इन स्टेशनों से बन रही होती है, ये बनती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी करंट उसमें एक डायरेक्शन में भी जाता है, फिर दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में भी जाता है, एंड इट कीप्स ऑल्टरनेटिंग। अच्छा, Now, this is very, very, this you don't use this for anything. आप alternating current कोई भी चीज को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, हाँ, ओवन टोस्टर में ऑल्टरनेट करंट जाएगा, फैन की मोटर, अगर वो एसी मोटर है तो उसमें ऑल्टरनेट करंट जाएगा, लेकिन हकीकत में दुनिया में ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई एज सच कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं है। टीवी आपका डीसी पे चल रहा है, लाइट आपकी डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे चलती है, आपका कंप्यूटर डायरेक्ट करंट पे चलता है, हर चीज डायरेक्ट करंट पे चलती है, उसको ये नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, जब जो है आपके घर में फ्लक्चुएशन होती है, चीजें खराब होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं करती, उनको ये नहीं चाहिए कि बार बार वो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो, फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर एक डायरेक्शन में, फिर दूसरे डायरेक्शन में, वो तो खराब होंगी, ठीक है। दिस इज नॉट दी, मतलब एक कह लो कि स्टेपल काइंड ऑफ थिंग दैट योर अप्लायंसेस डिमांड, दे डिमांड कि आपके पास करंट कैसा हो, करंट आपका जो है वो यू होना चाहिए, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट मस्ट बी डीसी, डायरेक्ट करंट होना चाहिए, एक वे में फ्लो होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो वाई एसी देन, जब किसी कोई चीज एसी पे चल ही नहीं रही है, ठीक है जी, जब एसी का कोई फायदा ही नहीं है दुनिया में, तो ऑल्टरनेट करंट्स क्यों है, ये क्यों इतने बड़े बड़े हम जो है वो हमने तारे बिछाई हुई इतनी लंबी लंबी, और हम जो है वो इतना इतने पैसे खर्च करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं एसी के लिए, जो घरों में इस्तेमाल भी नहीं होती, क्या फायदा है इसका, इसका क्यों है ये दुनिया में, क्यों है ये। अच्छा, तो ये कहानी शुरू हुई थी दो साइंटिस्ट के दौर में, दो साइंटिस्ट के दौर में, उनसे पहले शुरू हुई थी, लेकिन ये सेटल तब हुई थी जब थॉमस एडिसन और निकोलस टेस्ला का फड्डा हुआ था, ठीक है जी। तो ये दो जो थे, ये दो जो लोग थे, इनका फड्डा हुआ था, बाकायदा फड्डा हुआ था, ठीक है जी। फड्डा कैसा हुआ था, थॉमस एडिसन था बिजनेसमैन, ठीक है जी, यू वुड नेवर नो दिस, ये कहानी जो है वो छुपाई जाती है, और थॉमस एडिसन के बारे में बताया जाता है कि इन्वेंटर ऑफ द इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब और वगैरह वगैरह, थॉमस एडिसन वॉज इन माई ओपिनियन अ वेरी इवल काइंड ऑफ पर्सन, टिपिकल बिजनेसमैन था, तो वो हम बात करेंगे आज, ठीक है। आज हम थॉमस एडिसन की बेइज्जती जो है वो हम देखेंगे, थॉमस एडिसन की डिफरेंट साइड देखेंगे, उसकी क्या साइड। अच्छा, थॉमस एडिसन था बिजनेसमैन, ही वाज अ बिजनेसमैन टू, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, बिजनेसमैन भी था, चालाक बंदा, लेकिन बिजनेस में भी चालाक था। अच्छा, अब देखो मसला क्या था, डीसी के साथ मसला ये था कि जब आप इतनी लंबी तारें बिछाते थे, यानी फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर की तार अगर मैं बिछा रहा हूँ, तो आप लोगों ने एएस में मेरे साथ पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एक तार है, उसकी रेजिस्टेंस चाहे 1 मिली ओम भी हो ना, तो अगर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए ना, तो उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हो ये रहा था कि जब हम डीसी भेजते थे इसमें से, डायरेक्ट करंट भेजते थे इसमें से, तो ये जो तार थी ये लिटरली जल के राख हो जाती थी, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ही ज्यादा, भाई इतनी बड़ी लेंथ की रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है, जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो अब इसमें से जो भी भेजते थे वो सारा गर्माहट बनता था, जाया हो जाती थी, सबसे पहली चीज तारें जल जाती थी, दूसरी चीज क्या होती थी, भाई अगर मैं यहाँ से 10 वोल्ट भेज रहा हूँ, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस फॉर एग्जाम्पल 9.99 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे मुझे घर पे सिर्फ 0.1 वोल्ट मिल रहा है, क्या फायदा 0.1 वोल्ट का, ये तो बहुत ही बेकार कहानी हो गई। थॉमस की गलती हम बता रहे हैं ना, थॉमस की गलती क्या थी। अच्छा, तो ये था मसला जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इसका क्या करें, कैसे इसको जो है वो सही करें, क्योंकि वी डिड नॉट अंडरस्टैंड 1 बिट इसको हम कैसे सही करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला पहलू तो होगा, रेजिस्टेंस अगर कम करनी है, अच्छा रेजिस्टेंस इज लेंथ अपॉन एरिया, राइट, लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन एरिया को अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, है ना। तो एक हल तो ये था, तारों को बहुत ज्यादा मोटा कर दो,
कितना मोटा करेंगे? मैं इतनी मोटी तार भी अगर बिछा दूं, इतनी मोटी तार भी, तब भी उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। जब उसकी लेंथ बढ़ा दोगे तब दोबारा से वो एक हीटर बन जाएगी बजाय तार के। तो ये कहानी, ये मसला था, एक पैसों का मसला था, हर जगह आप इतनी मोटी मोटी तारें नहीं डाल सकते। दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला ये था कि तारें जल जाती थी, जो वोल्टेज हम भेजते थे वो वोल्टेज भी नहीं आता था। ये तीन मसले मसाइल थे जो अब हमें सही करने थे। अच्छा, मसला क्या हुआ? थॉमस एडिसन ने थॉमस एडिसन को समझ नहीं आ रहा था इसका हल क्या होगा, तो इस बंदे ने इस बंदे को हायर किया पैसों के। उसने कहा कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप इस मसले को मेरे लिए हल करके दो। और निकोलस टेस्ला जो था वो इंतहाई जीनियस इंसान था, ठीक है जी, ही वॉज अ वेरी वेरी जीनियस काइंड ऑफ पर्सन। थॉमस एडिसन को जीनियस कहते हैं, मेरे ख्याल से निकोलस टेस्ला उससे ज्यादा जीनियस था। अच्छा, निकोलस टेस्ला ने क्या किया? निकोलस टेस्ला ने अच्छा, निकोलस टेस्ला ने ये किया कि व्हाट ही डिड, उसने थॉमस एडिसन के डीसी पे मारी लात। उसने डीसी को कहा, मैं डीसी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा एसी। सबसे पहला बड़ा मसला, एसी इस्तेमाल कर रहा है तो यू ऑल नो कि अभी मैंने आपको बताया एसी का कोई फायदा नहीं, एसी हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन थॉमस एडिसन जो है, सॉरी, निकोलस टेस्ला ने प्रपोज क्या किया? निकोलस टेस्ला को पता था कि जो है एक चीज है जो हमने अभी बना ली है बिकॉज ऑफ फैराडेज हेल्प, एंड दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है? ट्रांसफॉर्मर ये चीज है कि उसमें अगर एक साइड पे कुछ वोल्टेज डालते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे 6 वोल्ट डालता हूँ यहाँ पे, तो ये ट्रांसफॉर्मर दूसरी साइड पे मुझे 12,000 वोल्ट बना के दे सकता है। ये ट्रांसफॉर्मर कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर ये कर सकता है, इट कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन, 6 वोल्ट को 12 भी बना सकता है, 12,000 को 6 वोल्ट भी बना सकता है, ये ट्रांसफॉर्मर कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स पे चलता है, ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन अ डीसी सोर्स। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, शायद आप लोगों को याद हो कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दिस इज बेसिकली लाइक अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड दूसरे सोलेनोइड में वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है। अब उसको इंड्यूस करने की शर्त क्या है? दिस फाई मस्ट बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। उसको चेंजिंग बनाने के लिए हमने इधर एसी लगाया। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी। एसी जब इस्तेमाल करते हो तो किसी भी वोल्टेज को किसी भी वोल्टेज में बना सकते हो। ट्रांसफॉर्मर यू डू नॉट नीड टू नो एनी ऑफ दी वर्किंग प्रिंसिपल, एनी फॉर्मुला रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर, वो आपके कोर्स में से हट चुका है, ठीक है जी। बट ये कुछ बैक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, दिस इज रिगार्डिंग योर रेक्टिफिकेशन, जो आपको पता होने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मर की कहानी क्या है? ट्रांसफॉर्मर का यूज ये है कि एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज बना सकता है, एंड देन चलता ये एसी पे गया। अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया निकोला टेस्ला ने। क्यों अच्छा काम किया भाई? देखो, हमें ये पता है कि पावर का फॉर्मूला आई वी भी है, एक फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर भी है, और एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं, ये तार थी पहले, मैं इस पे से 10 वोल्ट भेजता था डीसी के, तो मुझे यहाँ पे 0.1 वोल्ट मिलते थे, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम थी, मतलब मोस्ट ऑफ द पावर वाज वेस्टेड, पावर आपकी इधर वेस्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं, लेकिन ये कहानी करूं, क्या कहानी करूं कि मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे देखना है, जो भी आपकी पावर होगी, ठीक है, इधर देखो, अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं, पावर कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, एनर्जी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, पावर भी कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं तो मेरा करंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो निकोला टेस्ला ने क्या किया? उसने कहा 10 वोल्ट डीसी के बजाय 10,000 मिलियन ट्रिलियन वोल्ट एसी भेजते हैं। जब भी आपकी हर तार के खम्भे के पास हमेशा होता है कि उनके करीब नहीं जाओ, इसके पास नहीं जाओ, क्योंकि इनमें 1,000 वोल्ट नहीं होते, इनमें 20,000, 30,000, 40,000, 1 मिलियन वोल्ट तक ये इसमें वोल्टेज होता है इसमें। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता था कि वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, करंट बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए। तो जब हम करंट बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, करंट के बहुत ज्यादा कम करने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो इसमें से पावर लॉसेस होंगे वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये निकोला टेस्ला ने हल निकाला। क्या हल निकाला? उसने कहा एसी इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के जरिए से उस एसी को स्टेप अप करेंगे, मतलब उस 10 वोल्ट एसी को 20,000 वोल्ट एसी बनाएंगे, फिर उसको भेजेंगे। वो जब भेजेंगे तो उसकी वजह से करंट कम हो जाएगा बहुत ज्यादा,
अब जो पावर वेस्ट होगी, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर वेस्ट होगी, वो कम वेस्ट होगी, क्योंकि उसमें से अल्टीमेटली जो ये करंट जो जा रहा है वो ही बहुत छोटा जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा एक सवाल आया हुआ है, तो आर ए बढ़ेगी ना तब भी, आर ए क्या? देखो एमन, आर आर वही है, आर की कहानी वही है, आर इज स्टिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी जो जाया होती है या पावर जो जाया होती है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है। ठीक है जी, पावर का फॉर्मूला क्या? आई स्क्वायर आर है। अब देखो तुम्हारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्यों? लेंथ की वजह से। ये क्यों बढ़ी हुई? बिकॉज ऑफ द लेंथ। लेकिन 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 अगर इस रेजिस्टेंस में से सपोज करो मैं करंट ही 0.00000001 एम्पीयर का भेज रहा हूं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगर मैं करंट बहुत ज्यादा कम कर दूं, तो अगर मैं करंट को बहुत ज्यादा कम कर दूं, तो रेजिस्टेंस चाहे जितनी भी बड़ी ले आओ, पावर इतनी जाया नहीं होगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर यहाँ पे जाया नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा पावर यहाँ पे अब मुझे मिलना शुरू हो जाएगी आपने आउटपुट वाली साइड में। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती है, तो ये बेसिकली आपकी पूरी कहानी है इसकी। अच्छा, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला का फड्डा क्यों हुआ था? क्योंकि थॉमस एडिसन ने इसको कहा था कि मैं तुम्हें इतने डॉलर दूंगा, इतना मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुमने इसका ले आए। निकोला टेस्ला 2 मिनट में करके ले आया इसका हल, तो थॉमस एडिसन ने पर पैसे नहीं दिए, तो इस बात पे फड्डा हुआ था। ठीक है जी, इस बात पे फड्डा हुआ था, पर निकोलस टेस्ला ने एक डिफरेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उसने ये पूरा कमर्शियलाइज करवा दिया सिस्टम। थॉमस एडिसन क्या कर रहा था? थॉमस एडिसन हाथियों को एसी का वोल्टेज लगा के मार रहा था, उसने एग्जीक्यूशन चेयर बनाई थी, मतलब निकोलस टेस्ला को डिफेम करने के लिए, एसी को डिफेम करने के लिए। फिर वो हाथियों को मार रहा था, एग्जीक्यूशन चेयर उसने बनाई थी, ये सब उसने किया था ताकि एसी ना बच जीते, निकोलस टेस्ला नहीं जीते, क्योंकि अगर निकोलस टेस्ला जंग जीत गया तो डॉलर इसके हाथ में आ जाएगा। क्यों? बिकॉज आज की पूरी जो आपकी दुनिया चल रही है वो सब निकोलस टेस्ला ने डिजाइन करी है कैसे चलनी है। थॉमस एडिसन के हाथ से डॉलर निकल गए, सिर्फ क्यों? क्योंकि इसकी लालच, उसने इसको पहले डॉलर नहीं दिए, पहले डॉलर देता ये आज ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता। ठीक है, सो ऑलवेज ऑलवेज रिकॉग्नाइज टैलेंट वेयर इट इज ड्यू, अगर नहीं करोगे तो फिर पछताओगे। अच्छा जी, तो अब देखो, अब जैसे हमने बात करी, एसी पावर आ रही है आपकी पूरी ट्रांसमिशन लाइन में, हर जगह से एसी ही मिलेगा आपको। अब निकोलस टेस्ला ने यह कर दिया आपके लिए, घरों में एसी इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अब उसका काम क्या है? उसका काम अब हम करेंगे उसकी रेक्टिफिकेशन, मतलब हम एसी को रेक्टिफाई करके क्या बनाएंगे? उसको वापस से डीसी मिलाएंगे। ठीक है जी, यानी पावर स्टेशन से एसी आया, उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू बहुत बड़ा वोल्टेज बनाया, वो अब घरों पे आया, घरों पे जो अब वो आ रहा है उसको अब वापस से डीसी बनाने की कहानी। ठीक है जी, अच्छा तो अब हम उसकी डीसी बनाने की कहानी करते हैं। सपोज करो ये आ रहा है आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, आपका जो है ये आ रहा है आपके घर की पावर सप्लाई में, यानी घर के किसी भी सॉकेट में ऐसा सिग्नल आ रहा है 340 माइनस 340 ऊपर नीचे ये जाता है, और इस तरह से ये ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, अच्छा व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो आई वांट थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए इसके साथ। व्हाट इज दी वीआरएमएस वैल्यू? इसकी वीआरएमएस वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो कैसे निकलती थी, दैट वुड बी वर्क आउट थ्रू वी नॉट ओवर रूट टू, राइट? So V not over root 2, V not क्या आ रहा है? वो 340 आ रहा है, so 340 divided by root 2, that is 340 divided by root 2, so you are getting 240 volts, ठीक है जी? और आपके घरों में ऐसा ही AC सिग्नल आ रहा होता है, आपने देखा होगा आपके घरों के सॉकेट्स के आगे या आपके जो आप अप्लायंसेस में करते हो, जो भी लाइटें वाइटें वगैरह लाते हो उसके आगे लिखा होता है 240 volt, फिर उसके बाद कोई एम्पेयर की रीडिंग दी हुई होती है, तो वो 240 वोल्ट आरएमएस के दिए होते, रूट मीन स्क्वायर दिया हुआ है, वो आपको वी नॉट नहीं दिया हुआ। 240 वोल्ट ये आपका एसी सिग्नल है आरएमएस। टाइम पीरियड क्या होगा इसका? सो फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसी सिग्नल? 0.02 सेकंड्स। और कोई पढ़ा है मेरे साथ होने बाकी? फ्रीक्वेंसी बता दी आजेन ने, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वेरी गुड आजेन। So, 1 upon time period, यानी 1 upon 0.02, तो हमारे पास 50 hertz frequency आ गई है, very good, thank you, अच्छा, तो अब ये जो मैंने आपको सिग्नल बना के दिया, ये बाकायदा यही सिग्नल आ रहा होता है आपके घरों में, ठीक है जी, 50 hertz, 60 hertz आपने देखा होगा आपके घरों में सिग्नल आता है, 0.240 volt आ रहे हैं, मैं उसका लिखा हुआ होता है, ठीक है जी, now let's work out the omega, आज़ेन omega भी बता रहे हैं, very good, तो ओमेगा क्या होता है? वो होता है 2 pi डिवाइडेड बाई टी, तो दिस विल बी 2 pi डिवाइडेड बाई 0.02, जो हमें बताया जा रहा है कि 100 pi आ रहा है, ठीक है जी,
और अगर आपको याद हो कि इक्वेशन कैसे निकालती थी, एक मतलब अगर मुझे इसकी वोल्टेज की इक्वेशन देनी पड़ती थी तो वो कैसे निकालते थे, दैट वॉज वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है। सो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी वी विल इक्वल्स टू 340, साइन ग्राफ है तो साइन का ही लगेगा, एंड देन ओमेगा आपका 100 पाई था, सो 100 पाई टी। यानी आपके घरों में जो एसी सिग्नल आ रहा है उसकी सारी फीचर्स ये हैं, उसका टाइम पीरियड ये है, उसका आरएमएस वैल्यू ये है, उसकी ओमेगा ये है, उसका फ्रीक्वेंसी ये है, उसकी इक्वेशन ये है, ये सब आपके घरों में आ रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा ये जो मैं आप कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये जो हम कहानी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का चार्जर। ठीक है, ये सबके मोबाइल के चार्जर में हो रहा है। ठीक है, मोबाइल के चार्जर को ले लो, टीवी की सप्लाई ले लो, कंप्यूटर की सप्लाई ले लो, कोई सी भी चीज ले लो जो चल रही है, मतलब आपके घर में कोई भी ऐसी चीज जो चल रही है ना वो यही काम कर। अच्छा, सबसे पहले तो उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, क्यों लगा होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को 340 वोल्ट नहीं दे सकते। ठीक है, उसको आपको कम करके देने पड़ेंगे। टीवी आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे चल रहा होगा, कंप्यूटर आपका 24 12 वोल्ट पे चलता है, मोबाइल आपका 5 वोल्ट पे चलता है, तो उसको कम करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस एसी पावर को उस ट्रांसफॉर्मर में गुजारते हो ताकि उसका वोल्टेज कम हो। आपने जब ये कर लिया, ठीक है जी, देन द नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू यूज अ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा, फुल ब्रिज रेक्टिफायर भी है एक कहानी, और दूसरी कहानी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाफ वेव हाफ ब्रिज जो एसी करंट में डिस्कस किया था वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फुल ब्रिज रेक्टिफायर इज दी मोर कह लो के बेटर थिंग। वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए है, अभी देख लेते हैं कैसे है। सो फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी जो कन्वर्जन आई, अभी जो हम कन्वर्जन कर रहे थे, तो उसके लिहाज से ये वाला जो था वो पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बना। तब आपको पता है करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो इधर से ये करंट गया आए, ये इधर से जाएगा। देखो अब डायोड में से यू नहीं जा सकता, डायोड क्या था, डायोड अपने गेट में से, मतलब डायोड इज लाइक दिस, सब कुछ रिकॉल करवा रहा हूं अभी, गेट पे आके लगता है करंट, नहीं जाने देगा, एरो की डायरेक्शन में आएगा करंट, जाने देगा। तो डायोड में से जब करंट इन दी डायरेक्शन ऑफ दी एरो जाएगा तो जाने देता है। ठीक है जी, तो सिमिलरली ओवर हियर करंट, अब देखो गेट पे जाके लगा, इसमें से नहीं जा सकता, इधर से जाएगा जो उसकी डायरेक्शन, तो इधर से चला गया आए, इसमें से जाएगा फिर इधर से, अब ऑब्वियसली इधर नहीं जाएगा, इधर चल जाएगा आए, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब लोड में से फ्लो करेगा, लोड में से फ्लो करता है, ये आपका करंट आ गया, देन आपका ये करंट आ गया, इधर से आया फिर अब यहाँ पे आया। अच्छा, अब इसको किधर जाना है, अब ऑब्वियसली वापस पॉजिटिव तो नहीं जाना ना, इसको पूरा सर्किट कंप्लीट करना, नेगेटिव में जाएगा, तो ये अब ये वाला डायरेक्शन लेता है आए, इसमें से जाता है आए, और फिर इधर से फ्लो करता हुआ ये आ जाता है वापस कहाँ पे, नेगेटिव में, इसने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अगर 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 आपका एसी साइकिल जो है वो फ्लिप कर जाती है, नेगेटिव पोर्शन में चले जाते हो, तो यानी करंट उल्टा हो जाएगा, यानी ये वाला जो है वो ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, तो अब दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव जाता है करंट, तो पॉजिटिव इधर से करंट आ गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब ये इधर आया, ऑब्वियसली इसमें से तो नहीं जाएगा, ऊपर वाले से जाएगा, तो करंट आए इधर गया इधर गया, इधर नहीं जाएगा इधर जाएगा, तो इधर गया आए, फिर इसमें से गया आए, फिर इधर आया आए, फिर इधर गया इधर गया इधर गया, जाते जाते अब ये कहाँ पहुंचेगा, अब इसको कहाँ जाना है, इसको नेगेटिव में जाना है। ठीक है, तो इधर तो जाने का फायदा नहीं है वापस पॉजिटिव में, तो ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, तो ये इसमें से फ्लो करेगा आए गया, और फिर इधर से फ्लो करेगा आए, और फिर नेगेटिव में आके पहुंचे। ठीक है जी, तो आपको अब फुल ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, चाहे आपका प्लस माइनस ऐसे बन रहा हो, चाहे आपका माइनस प्लस वैसे बन रहा हो, करंट लोड में से एक ही डायरेक्शन फ्लो करता है। ठीक है, ब्लू वाला एरो भी देखो एक ही करंट की डायरेक्शन आई, रेड वाला एरो भी देखो करंट की एक ही डायरेक्शन आई, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इस ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बना लिया, वी मेड दिस इंटू अ डायरेक्ट करंट। और वो डायरेक्ट करंट कैसा, डायरेक्ट करंट ऐसा कि हमने जो नेगेटिव वाली साइकिल थी हमारी, उसको भी हमने क्या कर लिया, उसको भी हमने पॉजिटिव में ही बना लिया। सो आपकी नेगेटिव वाली साइकिल्स भी क्या हो गई हैं, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो गई। सो बेसिकली एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर में से गुजारने का काम ये हुआ, पहला ज्यादा वोल्टेज था ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कम किया, फिर उस वोल्टेज को फुल ब्रिज रेक्टिफायर में से गुजारा ताकि वो कंप्लीटली डीसी बन जाए। अच्छा जी, अभी भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है,
लोड में से अगर ऐसा सिग्नल भेज दो जो पहले जीरो है, फिर मैक्स पे जाता है, फिर जीरो, फिर मैक्स, फिर जीरो, फिर मैक्स, फिर जीरो, टीवी भी खराब होगा, लाइटें भी खराब होगी, कंप्यूटर भी खराब होगा, मोबाइल भी खराब होगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ये हमें नहीं करना, दिस इज वेरी बैड सप्लाई। इसको आप थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और इधर हमारा काम आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल टू योर लोड। आपके फैन में भी कैपेसिटर है, आपके मोबाइल के चार्जर में भी कैपेसिटर है, आपकी कंप्यूटर की सप्लाई में भी कैपेसिटर है, आपकी टीवी की सप्लाई में भी कैपेसिटर है। जहां जहां भी आपको कोई चीज ऐसी मिलेगी कि आपको कोई चीज को पावर करना है, आप उधर कैपेसिटर लगाते हो। किस तरह लगाते हो? पैरेलल में लगाते हो। क्यों लगाते हो? वो इसलिए लगाते हो कि अभी देखो कैपेसिटर क्या करेगा भाई, जब तक ये चार्ज करने को बोलेगा कैपेसिटर को, ठीक है, चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस डायग्राम, एक नेक्स्ट उस पे बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम है, दिस इज विदाउट द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के साथ वाली बना रहा हूँ, वो फाइनल ग्राफ बना रहा हूँ कैपेसिटर के साथ क्या हुआ। तो कैपेसिटर का क्या काम है? कैपेसिटर का काम है भाई, जब चार्ज करने को बोलोगे तो चार्ज करेगा, तो चार्ज करता है, ठीक है। मैं चार्ज दे रहा हूँ, 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 अच्छा। लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से जीरो हो गया करंट, अब एकदम से वोल्टेज जीरो हो गया। कैपेसिटर ये नहीं कर सकता, कैपेसिटर आहिस्ता से डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर एकदम से जीरो नहीं जाता। तो कैपेसिटर आहिस्ता से डिस्चार्ज होगा, आहिस्ता से, आहिस्ता से, आहिस्ता से, आहिस्ता से, आहिस्ता से, ये आहिस्ता से डिस्चार्ज होता हुआ कहां तक पहुंचेगा? ये आहिस्ता से डिस्चार्ज करता, फॉर एग्जाम्पल यहां तक पहुंचे, अच्छा। उसके बाद दोबारा से चार्ज होगा, फिर क्या होगा, फिर दोबारा से आहिस्ता से डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर दोबारा से आहिस्ता से डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, अच्छा मैं बार बार फिर बहुत दो, एक सेकेंड, फिर ये चार्ज होगा, एंड देन ये इस तरह से चलता जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि आपने क्या किया, आपने एक डायरेक्ट करंट को, सॉरी, आपने एक अल्टरनेटिंग करंट को क्या बना दिया, पहले डायरेक्ट करंट बनाया, कैपेसिटर लगाने के बाद आपने उसको स्मूद कर दिया, मतलब वो बार बार जीरो पे नहीं जाता। हाँ थोड़ी सी रिपल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन 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 अगर मैं इसको बहुत दूर से देखना शुरू कर दूं, ठीक है, मतलब आपको मैं अगर इतनी दूर से दिखाना शुरू करूं, मुझे तो खुद भी नजर नहीं आ रहा, तो ये आपको बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो दैट डिपेंड्स ऑन जैसा आप कैपेसिटर लगाओगे। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी स्मूदिंग चाहिए तो कैपेसिटर बड़ा लगाओ भाई, कैपेसिटर जब बड़ा लगाओगे तो फिर उसकी रिपल कम होगी, ठीक है जी, और कैपेसिटर छोटा लगाओगे तो रिपल ज्यादा होगी। तो यूज अ बिग कैपेसिटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल रिपल, ठीक है जी। और रिपल तो होगी होगी, हमेशा ही होगी लाजमी, लेकिन 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 अगर आपकी, मतलब अब देखो, अगर ये रिपल में, मतलब ये 8 है और ये 7.9 है, ये वाली रिपल, ये 8 था और 7.9 है, कोई फर्क थोड़ी आया, सही है यार, इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब 8 है 7.9, इतना तो पता भी नहीं चलने वाला, टीवी को इतना तो, कंप्यूटर को भी पता नहीं, इतना मोबाइल को भी पता नहीं चलने वाला, इतनी छोटी छोटी रिपल बर्दाश्त है, हमें बर्दाश्त है इतनी छोटी सी रिपल। ये ना हो कि ये 8 से 4 पे जाता है, फिर 8 पे आता है, फिर 4, फिर वो दोबारा से मसला हो गया। रिपल छोटी रखने की कोशिश करते हैं। उसका तरीका क्या है भाई? एक तो तरीका ये हो गया, एक ही तरीका है, वो क्या है, कैपेसिटर अच्छी वैल्यू इस्तेमाल करो, बड़ी वैल्यू इस्तेमाल करो, ताकि कम से कम आपकी रिपल बने, ठीक है जी। सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग दी रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में बनाना, ठीक है जी। यू कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है जी। आपको ये बोला जा सकता है, आपको ऑल्टरनेट करंट दिया, ठीक है जी, आपको बोला फुल ब्रिज रेक्टिफायर में से हमने गुजारा, इसका डीसी आउटपुट बनाओ, इसका वो बनाओ, तो आपको बनाना चाहिए। कैसा है? कुछ भी नहीं है डिफरेंट, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव ही है, नेगेटिव वाली बस वो भी पॉजिटिव में आ गई, जैसे हमने देखा, पॉजिटिव नेगेटिव वाली भी वैसी डायरेक्शन फ्लो करिए, नेगेटिव पॉजिटिव वाली भी वैसी डायरेक्शन फ्लो करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये इस तरह से ही बनेगा। और फिर जब आप इसमें कैपेसिटर लगाते हो तो कुछ भी नहीं होता, फिर ये स्मूदिंग इफेक्ट दिखाता है। अच्छा, स्मूदिंग इफेक्ट दिखाने में कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जो हमने ऑल्टरनेट करंट में भी डिस्कस किया था। वो कुछ चीजें क्या है? वो कुछ चीजें ये हैं कि सबसे पहले तो दे विल ऑलवेज टेल यू दिस मैक्स, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बताएंगे, मतलब आपको भी बता देंगे, रिपल जो है फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की रिपल है, ठीक है, तो वो फिर आपको रिपल जो वैल्यू दिखाएंगे वो आपको 2 वोल्ट की दिखानी पड़ेगी, अच्छा जी। दूसरी बात ये दिखाना लाजमी कि ये डिके हो रहा है। तीसरी बात ये है, ये देखो मैंने ये स्ट्रेट लाइन यू नहीं बनाई, ठीक है, मुझे बनाना था मैं यू ही बना सकता, स्ट्रेट लाइन यू बना देता, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, मैंने ये डिके इक्वेशन दिखाने की कोशिश करी। आपको भी क्या दिखानी है? आपको भी ये डिके इक्वेशन दिखानी, ठीक है, जो हमने डिके इक्वेशंस पढ़ी है, जो ग्राफ की शेप है डिके इक्वेशन की, इट्स लाइक दिस, ठीक है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक दिस। तो ये भी जो बनाया है, ये भी क्या है, इट्स लाइक दिस दिस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स अ डिके इक्वेशन। तीन चीजों का ख्याल रखेंगे, रिपल जो उन्होंने बताई हुई एग्जामिनर ने, जितनी बड़ी रिपल है वो ही बनाएंगे। दूसरी चीज, चार्ज करते हुए वो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज करते हैं वो अपनी रिपल दिखाएगा, और रिपल की जो शेप होगी दैट मस्ट बी फॉलोइंग योर
डिके वाली इक्वेशन। ठीक है जी, ये सब कुछ मैंने जो है वो उधर ऑल्टरनेटिंग करंट्स में भी प्रैक्टिस भी करवाया और करवाया भी अभी सिर्फ आप लोगों को एक रिविजन देने के लिए करवाया। अच्छा मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट इसमें सारी कहानी डिस्कस करने की ही है। ये हो गया थ्री, थ्री और ये हो गया फोर। अच्छा ओके, दूसरी टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन भी है, ये जो पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई होती है। नहीं, रेक्टिफाई होना मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट हो। फुल क्या हो गई, फुल ये हो गई कि पॉजिटिव वाली भी पॉजिटिव में आ गई, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव में आ गई। इसको कहते हैं हम फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये किसके थ्रू अचीवेबल होती है, दिस इज ओनली अचीवेबल बाय अ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा जी, इसके बरक्स आपके पास जो है वो एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी होती है। यू ऑल्सो हैव अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि आप क्या कर रहे हो रेक्टिफाई, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव रेक्टिफाई करो, नेगेटिव वेव आप जाया कर रहे हो। मतलब आपने ये नेगेटिव वेव जो है वो जाया कर दी, ये आपने जाया कर दी, ये है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, पॉजिटिव भी नहीं बनी, ये भी नेगेटिव वेव आपने जाया कर दी, हाफ वेव ये कहलाएगी। ठीक है जी, तो हाफ वेव नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव में जो पावर आपको यहाँ पे मिल रही थी वही आगे मिलती है क्योंकि आपने कुछ जाया नहीं किया। हाफ वेव में बड़ा बकायदा मसला, आप आधी पावर यही उड़ा देते हो, यहाँ पे पूरी पावर मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ आधी पावर मिलेगी। तो ये आपको अक्सर वेशतर मिलेगा अपनी जो पुराने मोबाइल फोन के चार्जर नहीं होते, जो आप कहते होंगे यार ये क्या 0.2 एम्पीयर पे 1.1 एम्पीयर पे 0.1 एम्पीयर पे चल रहा है, तो उसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। वो सस्ते वाले चार्जर, कभी भी सस्ते वाले चार्जर नहीं लिया करें क्योंकि उसमें ये होता है, जब भी वो मोबाइल फोन को चार्ज सही तरह से नहीं करते हैं, क्यों, बिकॉज वो आधी वेव उड़ा देते हैं, खा जाते हैं, ऐसे ही खा जाते हैं उसमें सिर्फ। और अब तो स्टेपल तो यही है, लेकिन जो चीजें सही तरह से नहीं चलती उसमें बेसिकली ये चीजें, जैसे आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। अच्छा, और ये अचीव कैसे की जाती है, ये अचीव की जाती है कैसे कि भाई आप एक डायोड लगा देते, आप ये हटा के बस एक डायोड लगा देते, उससे क्या होता भाई, जो करंट इस डायरेक्शन में आता है वो तो चल जाता, जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, वो नहीं जा पाता। तो बेसिकली पॉजिटिव वाला हमने अलाउ कर दिया, नेगेटिव वाला हमने जाया कर दिया, डायोड नेगेटिव पूरा जाया करता है, पॉजिटिव वाला जाना देता है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक सिंगल डायोड से हो सकती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज अचीव थ्रू अ फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है जी, ये आपकी पूरी कहानी है रिगार्डिंग योर रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, सो यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको एक यूज तो पढ़ा दिया, वो यूज क्या है, वो यूज ये है कि जो आपने डीसी में कन्वर्ट किया उसके बाद उसको स्मूद करने का जो काम है वो कैपेसिटर का है। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा रिपल ना हो, मतलब ये ना हो बकायदा बार बार जीरो पे जा रहे हो आप, हाँ कुछ रिपल हो बर्दाश्त है, लेकिन पूरा पूरा जीरो पे जाए। तो सबसे पहला यूज कैपेसिटर का इज स्मूदिंग। ठीक है, उसको हम, उसका नाम ही स्मूदिंग है, ये वोल्टेज को स्मूद करता है। अच्छा जी, और कोई यूजेज किसी को पता हो, एनी आइडिया, कोई और किसी ने कोई चीज पढ़ी हो, किसी ने कभी कैमरा खोल के देखा है, हैज एनीवन एवर ओपन्ड वो कैमरा, एक कैमरा पुराने जो कैमरा होते थे, किसी ने कभी खोल के देखा है, किसी ने अपने बाबा के पैसों को पे आग लगाई क्योंकि मैंने किया हुआ, आई हैव डन दैट। अच्छा, सो बेसिकली आपके कैमरा का जो फ्लैश होता है ना, ठीक है जी, उसमें इस्तेमाल होता है ये। कैमरा का फ्लैश में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर बैटरी से एक लाइट को जलाता हूं तो वो लाइट एक ही उस पर चलने वाली है, मतलब वो लाइट जो चलने वाली है वो, मतलब उस पर रेजिस्टेंस लगा दो, मतलब हमने बैटरी लगाई और मैंने उसको एक रेजिस्टर के थ्रू जो है मैंने लाइट में कनेक्ट कर दिया और इस तरह से अब वो लाइट नॉर्मली जलेगी। फ्लैश में हमें ये नहीं चाहिए होता, फ्लैश में हमें चाहिए होता है शॉर्ट सा बर्स्ट, वी नीड अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ लाइट। ठीक है जी, अच्छा अब ये शॉर्ट बर्स्ट कहाँ से आएगा, ये शॉर्ट बर्स्ट आता है कि आप एक फिलामेंट लैंप पे, क्या फिलामेंट लैंप तो नहीं, लाइट पे आप क्या कर दो, आप कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दो, कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है और इट कैन फ्लो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू योर लोड, कैपेसिटर कैन फ्लो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू योर लोड। तो कैपेसिटर में बेसिक पहले कैपेसिटर को चार्ज करके फिर उसको लाइट में से जो है वो शॉर्ट कर दो, उसमें लाइट में से उसमें करंट भेज दो उसका, तो वो लाइट को एकदम से एक शॉर्ट बर्स्ट की तरह वो जलाता है। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर एनर्जी
और स्टोर एनर्जी की सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है दैट इज एज फ्लैश कैपेसिटर्स, ठीक है जी। अच्छा, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, क्या बोलूं उसको, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बात को समझें कि कैपेसिटर क्यों ये काम कर सकता है, बैटरी क्यों नहीं ये काम कर सकती है। आपको याद होगा हमने एएस में बैटरी का एक चीज पढ़ा था एंड दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस, आई होप सबको याद हो। बैटरी में हमेशा क्या होती है, एक कहानी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की, दिस स्मॉल आर। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आप अगर चाहते भी ये होना कि मैं बैटरी को शॉर्ट करूं तो उसमें से 1000 एम्पियर चले जाए, बैटरी ये नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट मारता हूं, अगर मैं बैटरी का शॉर्ट मारता हूं तो क्या होगा, तो यहां से करंट आ जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ, रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल आर फिर भी लगेगी। शॉर्ट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस, दोनों तारें मिला दी, ठीक है जी। आप अपने घर के मेन बॉक्स में जाके लाइव वोल्ट मीटर मिला रहे हैं, आपको अच्छा जो है वो शॉर्ट समझ में आ जाएगा। शॉर्ट का मतलब ये होता है किसी लोड में से नहीं गया, किसी रेजिस्टेंस में से नहीं गया, ये ऐसी शॉर्ट हो गई दो तारे, मतलब सीधा करेक्शन आ गई है, ठीक है जी। मतलब देयर वाज नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जीरो, दैट इज बेसिकली शॉर्ट। तो जब आप बैटरी को शॉर्ट करते भी हो, मसला क्या है, उसके वो शॉर्ट हो ही नहीं सकती, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, तो उसमें से करंट आप कितना भेज सकते हो, उसमें से करंट की एक लिमिट है एंड वो करंट की लिमिट है V डिवाइडेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बैटरी में। हाँ, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, कैपेसिटर इज अ बैटरी विदाउट एन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब इसको शॉर्ट करते हो ना, व्हेन यू शॉर्ट दिस कंप्लीटली, तब ये करंट जो है कैन बी एज ग्रेट एज 1000 एम्पियर्स, ये भी हम कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट का मतलब ये हुआ करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। शॉर्ट करने का मतलब बेसिकली ये होता है रेजिस्टेंस को जीरो करना, रेजिस्टेंस को जीरो करना ताकि करंट क्या हो जाए, करंट इंफिनिटी पे पहुंच जाए। तो बैटरी को शॉर्ट करते हो, बैटरी शॉर्ट होने के बावजूद भी आपको करंट इन्फिनिटी नहीं दे सकती, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है। कैपेसिटर को शॉर्ट करोगे, हाँ कैपेसिटर आपको इन्फिनिट करंट दे सकता है, देयर विल ऑब्वियसली बी लिमिटेशंस टू दैट, लेकिन कैपेसिटर में बड़े अच्छे तरीके से यू कैन अचीव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो ये जो शॉर्ट बर्स्ट बनाना होता है फ्लैश कैपेसिटर में, वो कैपेसिटर के थ्रू किया जाता है, क्योंकि ये फिर लाइट में से मोमेंटरीली छोटे से टाइम के लिए बहुत बड़ा करंट फ्लो करवा सकता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट बर्स्ट देगी, खराब भी नहीं होगी क्योंकि वो टाइम ही बहुत छोटा था, और आपकी जो आपको शॉर्ट बर्स्ट चाहिए था वो भी सब इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये दो हैं, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सप्लेनिंग दीज। एक उसमें से है ब्लॉकिंग डीसी, यू हैव ब्लॉकिंग डीसी, कैसे कर रहा है ब्लॉक डीसी, आपके उसमें नहीं है बेसिकली आरसी फिल्टर्स वगैरह होते हैं, उसकी टेंशन नहीं लो, ब्लॉकिंग डीसी ये है, बस ये रट लो। और तीसरा जो है वो ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी सर्किट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ऑसिलेटरी सर्किट्स में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था, अब डीसी में भी यू सम ऑफ द टाइम्स यू माइट बी रिक्वायरिंग एन ऑसिलेटिंग डीसी, मतलब ये नहीं कि आपको एक बोरिंग सा स्मूथ लाइन मिल जाए, सम टाइम्स यू वांट एन ऑसिलेटिंग डीसी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि आपके जो कंप्यूटर में घड़ी है, आपके कंप्यूटर में घड़ी आपकी वॉल क्लॉक वाली घड़ी नहीं है, उसमें घड़ी जो है उसमें घड़ी लिटरली है, द घड़ी इज दिस, जब सिग्नल हाई होता है ये बेसिकली उसके लिए एक टाइम का फ्रेम है, सिग्नल लो हो गया फिर सिग्नल हाई हुआ, ये टाइम, यानी जो कंप्यूटर आपने देखा, आपने कंप्यूटर की आपके प्रोसेसर की स्पेक्स होती है 2.56 मेगाहर्ट्ज, ये 2.56 मेगाहर्ट्ज क्या है, ये उसकी क्लॉक की स्पीड है, ये इसकी क्लॉक की स्पीड है, यानी इसकी क्लॉक जो है वो एक सेकंड में 2.56 × 10⁶ टाइम्स ऑन ऑफ होती है, इट इज प्रोड्यूसिंग 2.56 × 10⁶ वेव्स, यानी बेसिकली, और हर क्लॉक की ऑन साइकिल पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होती है। कंप्यूटर आपकी तरह नहीं है, मल्टीटास्क नहीं कर सकता, वो एक टाइम फ्रेम में एक ही टास्क कर सकता है। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है इतने सारे, क्योंकि आप उसकी क्लॉक स्पीड इतनी हाई रखते हो, जिसकी वजह से अब हर एक क्लॉक स्पीड पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होती है, यानी एक 1+1 होता है, एक 1/2 होता है, एक 1 × 2 होता है। तो यानी जब क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो बेसिकली एक सेकंड में 2.56 × 10⁶ फंक्शंस हो रही हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है जी। तो ये जो आपको जो अपने प्रोसेसर के मेगाहर्ट्ज मिलते हैं, गीगाहर्ट्ज मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, वो बेसिकली उसकी क्लॉक की स्पीड होती है। क्लॉक की स्पीड क्या रिप्रेजेंट करिए, क्लॉक की स्पीड रिप्रेजेंट करिए कितनी फंक्शंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। कंप्यूटर एक एक करके ही फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो जब क्लॉक हाई जाती है तब ये होती है कहानी,
ठीक है जी। तो उन ये जो क्लॉक्स बनाने की, कंप्यूटर की क्लॉक्स बनाने में या ऑसिलेटरी सर्किट्स बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हमें ऑसिलेटरी सर्किट्स भी चाहिए होते हैं, तो ये कैपेसिटर्स उसमें भी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज कर दो, फिर थोड़ी देर बाद ये आइसला से जाके डिस्चार्ज होता है, ठीक है जी। सो यू बेसिकली एक ये सेट करना है कि आपकी ये पल्स कितनी होगी, कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, कितनी नहीं होगी, दैट इज बेसिकली वो कैपेसिटर का काम। खैर इसकी भी बहुत ज्यादा डिस्कशन में जाना, इनफैक्ट स्मूदिंग के अलावा आपको ये नहीं होगा कि यू वुड बी एक्सपेक्टेड कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ देनी पड़े, तो ये सब रट लो। ये अक्सर वो बेशतर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू शुड बी एबल टू राइट दीज थिंग्स डाउन, ठीक है जी। सिर्फ बताता इसलिए हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी वो भी डेवलप, यानी ब्लाइंडली जो है वो हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए था, हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है।